गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं और चॉप दोनों मिलकर के यहाँ पर आ चुके हैं यार, एक बार फिर से स्पाइडरमैन सिम्युलेटर खेलने। गाइस वैसे स्पाइडरमैन सिम्युलेटर में पहली बार खेल रहा हूँ, और ये तूने क्या पी लिया है भाई, तू पर्पल कलर का कैसे हो गया? फर्स्ट भाई मैंने फास्ट पोशन पिया है भाई, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, समझ गए? अरे भाई पता नहीं ये क्या अनशन चीजें खाते रहता है। एनीवेज गाइस, अपने को क्या, अपने को तो बस स्पाइडरमैन बनना है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और आप लोग देख सकते हो गाइज कि हमें यहाँ पर कितना बड़ा शहर मिलता है उछल कूद करने के लिए। एंड कैन यू इमेजिन गाइज, इस शहर में यार सिर्फ एक सुपर हीरो की कमी थी, और वो है हमारा स्पाइडरमैन। एंड इस तरफ गाइज आपको शहर से थोड़ा दूर, यहाँ पे ये क्या है भाई, यहाँ पर यार मैं पहली बार आ रहा हूँ, शहर से काफी ज्यादा दूर बनाया गया इसको, ये क्या है, लोडिंग हीरो शॉप? भाई यार मुझे लग रहा है ये लोग कुछ लोड कर रहे हैं। गाइज मैं गलत एरिया में आ गया क्या? ओ अच्छा, यहाँ पर से हम लोग यार सुपर हीरोज बदल सकते हैं गाइज, मतलब कि अगर हम लोग यार यहाँ पर स्पाइडरमैन के इस सूट को पसंद करते हैं तो लोग इसको चूज करते हैं, नहीं तो यार अगर चाहे तो मैं सूट को बदल भी सकता हूँ। फर्स्ट भाई यार सूट बदल के दिखाओ ना भाई। अबे रुक ना, मेरे को क्लासिक वाला स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब तू बोल रहा है तो चलो बदल लेते हैं। और यहाँ पर क्लिक कहाँ करना था, मेन्यू में, और गाइज अगर हमें सूट चेंज करना है सिंपली हमें यहाँ क्लिक करना होगा, और उसके बाद एक बार हमारी हीरो शॉप लोड हो गई तो उसके बाद आएगा मजा। ओके तो यहाँ पर गाइज हमारे पास ऑब्वियसली पहला सूट ये है, दूसरा सूट ये तो खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली ये बहुत फनी लग रहा है गाइज, लेकिन इसको खरीदने के पैसे नहीं है। ओ भाई ये काफी कूल लग रहा है गाइज, इसको हो सकता है वीडियो में मैं आगे चल के ट्राई करूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। और ये क्या, रेन सूट? नहीं ये नहीं चाहिए। ये क्या भाई साहब सूट दे रहे हो, तुम लोग कुछ अच्छा दो ना मेरे को। गाइज आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई भी सूट बढ़िया लग रहा है मेरे को। चलो चलो आगे बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी नहीं चाहिए, स्पाइडर गर्ल कौन नहीं लेगा भाई, स्पाइडर गर्ल कोई है भी नहीं। ओ ग्वेन, गाइज ये देख रहे हो, ग्वेन भी है इसके अंदर यार। ओ ये मिल गया मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस। गाइस जिसने भी यार माइल्स मोरालिस गेम खेली है उसको पता है यार कि कितना जबरदस्त हीरो है हमारा स्पाइडरमैन का माइल्स मोरालिस। इनफैक्ट जिन लोगों ने मूवी भी देखी है स्पाइडरमैन इनटू द वर्स, उन लोगों को पता होगा गाइस कि यहाँ पर दो दो स्पाइडरमैन आ जाते हैं, जिनमें से एक है हमारा नया वाला माइल्स मोरालिस। और गाइस इसके पास देख रहे हो कितने सारे पावर्स है, आई मीन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी अपन लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और देखो मेरा शील्ड टकरा करके लौट के आ जाता है, ये देखो लिजर्ड आ रहा है गाइस हमारे पीछे, हट तेरी ऐसी की तैसी। ये देखा एक बार में शील्ड यूज करके हम लोगों ने मॉन्स्टर को यहाँ पर कंप्लीटली एनाइलेट कर दिया है गाइस। फ्रॉस्ट भाई यार आप तो सुपर पावर का मजा ले रहे हो भाई, मेरा क्या होगा? अबे तू भी मजे लेना भाई, हम लोगों का ड्यूटी यहाँ पर शहर को प्रोटेक्ट करना। और ये क्या है भाई, ओ माय गॉड भाई, ये तो इनविजिबल कर देता है हम लोगों को गाइस, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है यार। इमेजिन करो आप दुश्मन के बेस में जा रहे हो गाइस, और एक क्लिक के साथ आप अपने आप को इनविजिबल कर सकते हो, है ना, एकदम सुपर कूल चीज गाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ यार स्पाइडरमैन को जितने गैजेट्स है ना वो टोनी स्टार्क ने दिए। और यहाँ पर दूसरा वेपन जो है गाइस ये बस मुक्के मारता है और कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉस्ट भाई क्या बात कर रहे हो यार, स्पाइडरमैन ने कितने सारे दुश्मनों को भाई मुक्कों से ही मारा, आपको पता है ये स्टंट कितना मस्त मारता है? अबे हाँ भाई मैं जानता हूँ, रुक थैनोस तेरी ऐसी थी तैसी कहाँ जा रहा है भाई, थैनोस मेरे दोस्त को परेशान करेगा। ये ले गाइस हम लोग थैनोस को यहाँ पे मुक्के मुक्के मारेंगे। ये ले टोनी स्टार्क के साथ तूने बुरा किया था थैनोस। ओ भाई एक और विलन आ गया, लिजर्ड तू तो मेरा जानी दुश्मन है ब्रो, तेरे को तो मैं पहली मूवी में भी मारना चाहता था, दूसरी में भी पता नहीं किस मूवी में आया था गाइस, ये मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन अब जब फाइनली दिखाई दे रहा है तो कोई भी विलन को क्यों ही छोड़ना भाई, सीधा मारो और खत्म करो। और ओ भाई साहब बंदों के पास देख रहे हो कितने सारे टाइप के यहाँ पे वेपन्स है, मैंने भी वो पोशन पी लिया है गाइस जो चॉप ने पिया था। और ये क्या है, ओ ब्रो ये कैसा सुपर विलन था भाई, कार्नेज आया था गाइस। ओ माय गॉड वेनम भी आ गया है। सो गाइस अभी टाइम है अपन लोग एक एक करके इन मॉन्स्टर्स को फिर से वाइप आउट करें। अबे लिजर्ड तुम फिर से आ गए भाई, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, अबे वेनम बच कैसे गया तू? फर्स्ट भाई ठीक से मारो उसको, मर जाएगा एक बार में। ये हुई ना सुपर हीरोज वाली बात। और यार ये लिजर्ड बार बार कहां से आ जा रहा है भाई, चल तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ पर से। ओके गाइस तो आप लोगों ने देखा हमने सारे के सारे विलन्स की बैंड बजा दी है, और लगता है अब शहर में थोड़ा डीप जाना होगा गाइस, क्योंकि सिर्फ एक एरिया नहीं है जहां हमारी मदद की जरूरत है। देखो वेनम का यार दोस्त यहां भी पहुंच गया, वेनम तेरी ऐसी थी तैसी, ये ले मेरा तलवार खा, हाइपर फास्ट तलवार है गाइस हमारे पास यहाँ पर, और तीन तीन टाइप के तलवार है, जैसे एक तलवार ये ग्रीन वाला भी है और उसके बाद ये रेड वाला भी तलवार है गाइस, जिससे अरे भाई साहब तीन तीन सुपर विलन आ रहे हैं गाइस, क्या मैं तीनों को मार पाऊंगा इस तलवार का यूज करके, आइए देखते हैं। और ओ भाई मैंने एक विलन के बीच से तलवार निकाल दी गाइस, देख रहे हो मतलब हमारी सुपर पावर नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुकी है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने ये लाल वाली यार तलवार इक्विप की। और मेरे को एक्चुअली में नॉर्मल होना है भाई, ये पर्पल कलर उतर नहीं रहा है मेरी सूट पर से। फ्रॉस्ट भाई अब ये नॉर्मल नहीं होगा, आपको अपना सूट बदलना पड़ेगा भाई। अबे क्या बात कर रहा है यार, मेरे को ये पर्पल कलर अच्छा तो लग रहा है, बट स्टिल मैन मिस्टीरियो को मारने में गाइस ऐसे मजा नहीं आ रहा है। और आपको तो पता ही है यार मिस्टीरियो ने हमें इतना बड़ा
बड़ा धोखा दिया था मूवी के अंदर कि भाई अब तो उसको मारना हमारा फर्स्ट टारगेट है। ओए चॉप तू कहां पर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यार, बहुत देर से गायब सा हो गया है। फ्रॉस्ट भाई यार मैं यहां पे अपना सूट टेस्ट आउट कर रहा हूं और मैं फाइटिंग कर रहा हूं भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। ओ भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफी ज्यादा मजेदार चीज थी गाइस, अभी अपन लोग चलेंगे उसके पास, लेकिन उसके पहले मैं अपना सूट बदल लूं और अरे सूट को खरीदना पड़ेगा। ओ मैन ओके ये पहन सकते हम लोग, आयरन स्पाइडर भाई यही सूट तो यार स्पाइडरमैन ने यूज किया था गाइस जब वो थानोस के अगेंस्ट एंड गेम में स्पेस में गया था। और आपको तो पता ही है ये कितना ज्यादा जबरदस्त सूट है क्योंकि इसको हम लोगों को टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने दिया है गाइस। और जो भी चीज आयरन मैन बनाता है वो स्पेशली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और उसके अंदर बहुत अमेजिंग सारे कूल फीचर्स होते हैं गाइस, जैसे कि गैजेट्स हो गया, वेपन्स हो गए, स्किल्स हो गए, जो भी बोलो यार सारी चीजें ऑलरेडी फिट मिलती है। और अरे भाई साहब कितना ऊपर आ गया ये भाई, इसकी वेब स्विंगिंग कैपेबिलिटीज गाइस यहां पर गॉड लेवल है, मतलब आप लोग देख रहे हो हम लोग जहां चाहे वहां पर जा सकते हैं स्विंग करके। एंड ये रही वो स्टैचू की लिबर्टी जिसके बारे में यार, स्टैचू की लिबर्टी नहीं गाइस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसको कहते हैं। एनीवेज हम लोग एक बार चल के देखते हैं यार कि यहां पर मामला पानी जो है क्या हो रखा है। प्रिजनर्स जो है भाई प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे गाइस, क्योंकि एज अ सुपर हीरो हमारी ड्यूटी है कि हम इस शहर की यार रक्षा करें। और यहां पर मेरे को एक क्रिमिनल दिख गया है गाइस और ये मैंने अपनी तलवार उसके बीच से निकाल दी नहीं है। और भाई ये भी बेचारा मौत के घाट उतर गया, बोलता हूं ना प्रो स्पाइडरमैन के पावर्स आर इनसेन। ओए तू भी पहुंच गया? फ्रॉस्ट भाई मैं तो यहीं पर मारामारी कर रहा था भाई, आप कहां चल गए थे? ओ माय गॉड तू इनविजिबल पावर का यूज कर रहा है। चलो गाइस हम लोग भी यहां पे इनविजिबल पावर का यूज करेंगे और ऐसा लगता है ये विलन्स भाई हम लोगों को फिर भी देख लेते हैं गाइस, मतलब ये इनविजिबिलिटी कोटिंग उतना काम करनी है विलन्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप यार अपने दोस्तों को उल्लू बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। आई थिंक ये जो लाल लाल यार पूछ जैसा हम लोगों के पीछे से लाइट निकल रहा है ना गाइस, इसी के वजह से इनविजिबिलिटी क्लोक यहां पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और विलन्स लोग हम लोगों को डिस्पाइट बीइंग इनविजिबल डिटेक्ट कर ले रहे, जो कि यार फिलहाल के लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन देखो भाई स्पाइडरमैन इतना पावरफुल है, उसको ये 30-40 पावर्स की जरूरत नहीं है गाइस जैसे इनविजिबिलिटी वगैरह, उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है गाइस, सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स है और तो और अल्टीमेट स्विंगिंग कैपेबिलिटीज है गाइस, तो हम लोग उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे अभी के लिए। और मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि लेडी लिबर्टी के ऊपर अपन लोग लैंड कर सके और एकदम ट्रू स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है। देख रहे हो गाइस न्यूयॉर्क सिटी का रक्षक स्पाइडरमैन पहुंच चुका है, अगर किसी को भी मदद चाहिए तो अभी का अभी 911 डायल करो। फ्रॉस्ट भाई 911 का तो नहीं पता भाई, 123 मेरे को आता है। अरे 123 कोई नंबर थोड़ी है भाई, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 911 डायल करना पड़ेगा और ये अमेरिका का नंबर है ठीक है, इंडिया का मेरे को पता नहीं, आई थिंक 101 या 102 है। एनीवेज गाइस अभी जो है अपन लोग यहां पर सूट बदलते हैं। हां ये कर लो पहले, क्योंकि देखो यार एक सूट के साथ कितना ही खेलोगे तुम। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं गाइस, इस बार जो है आप कमेंट में गेस करना कि मैं कौन सा सूट चूज करने वाला हूं अगला। अगर आपका गेस सही हो गया तो हो सकता है आपको चॉप यार एक हार्ट दे दे। बट एनीवेज अभी चलते हैं आगे एंड लेट्स सी कौन सा सूट मैं लूं। कौन सा बढ़िया लगेगा यार स्पाइडरमैन के ऊपर, अगर मैं ओ ये अच्छा लग रहा है गाइस, अपन लोग ये चूज करते हैं क्योंकि ग्वेन। ओ भाई आप लोगों को याद है जिन लोगों ने यार स्पाइडरमैन इनटू द वर्स मूवी देखी है ना, उनको पता होगा कि भाई ये ग्वेन का यार मास्क इन लोगों ने हटा दिया था और चेहरा दिखा दिया था सबके सामने, तो इसीलिए ये बिना मास्क के स्विंग करी। और ये कहां से इसका वेब निकल रहा है भाई, गाइस आप देख रहे हो? ओ माय गॉड यार मैं जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड यार, इतना फनी तरीका है ना इन लोगों का वेब स्विंगिंग का गाइस, हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, पेट से यार ब्लास्ट कर रहे हैं यार ये लोग, जितना भी मकड़ी का जाला है ना वो पेट से निकालते हैं और भाई उसी के बदौलत पूरे शहर में इधर से उधर उधर से इधर स्विंग कर रहे हैं। और अपन लोग को भाई इनकी ये जो नौटंकी है इसको सहना पड़ रहा है यार, एटलीस्ट रोब्लॉक्स वालों थोड़ा तो मेहनत करो, थोड़े एनिमेशन ज्यादा डाल देते हैं यार। बट देखो गाइस मैं कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये शहर काफी ज्यादा बड़ा है और कंसीडरिंग कि ये मैप बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप भी चाहो तो आज के आज रोब्लॉक्स में इस मैप को ट्राई कर सकते हो। मेरे को बता रहा गाइस आपको कैसा लगा ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आ गया वेनम भाई, तू तो अरे वेनम भाई मर गया यार, लगता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस। एक और सुपर विलन था उधर लेकिन आई गेस वो हम लोगों से डर के चला गया है, और डरना भी चाहिए यार जब आपके सामने ग्वेन आ रही है तो भाई आई मीन स्पाइडरमैन की भी कभी कभार यार हालत खराब हो जाती है, तो दुश्मनों की तो यार ऑब्वियसली हवा टाइट होनी ही थी गाइस। और जॉब तू क्या कर रहा है भाई, कितने विलन मार दिए तूने? फ्रॉस्ट भाई अभी तक तो लगता है मैंने 100-200 थानोस तो मार ही दिए होंगे भाई। आए हाय हाय मेरे शेर, अगर यही परफॉर्मेंस रही ना तो अगला सुपर हीरो जो है तेरे को वही लोग बनाएंगे, अवेंजर्स का कैप्टन तू ही बनेगा, समझ गया? फ्रॉस्ट भाई अवेंजर का कैप्टन बना दूंगा तो मजा आ जाएगा भाई, मैं तो यार पूरा लाइफ टाइम ऐश कर सकता हूँ। अबे यार तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तू कैप्टन बनने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यार आग लगा देगा। देखो ऐसा नहीं करना यार, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गाइस हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। ओए थानोस तेरी तो कितनी बार मरेगा यार ये भाई, तुझे तुझे संतुष्टि नहीं मिलती क्या? और गाइस अगर मैं थोड़े रोबक्स खर्चा
करता ना यहाँ पर, तो हम लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट वगैरह भी ट्राई कर सकते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैप में काफी सारे वेपन है जो इधर उधर इन लोगों ने बिखेर करके रखे, लेकिन ऑब्वियसली यार मेरे पास आपको तो पता ही है रोबक्स नहीं है भाई। अगर किसी को मेरे को रोबक्स देना है तो आपको मेरी आईडी पता है ऑब्वियसली। आई डोंट थिंक इस गेम में गिफ्ट कर सकते हैं। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को गिफ्ट विद मत करना यार, नहीं तो पता चला मेरे को चॉप भाई बहुत डांटेगा। फ्रॉस्ट भाई आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हो भाई, अपन लोग बिना रोबक्स के खेलेंगे ब्रो। ओके चलो कोई बात नहीं यार, देखो ऐसे ही बहुत ज्यादा मजा आता है। एक तो ये लोग इतना प्रमोशन करते हैं ना भाई, मेरा हालत खराब हो जाता है गाइस। मतलब कोई यार सिस्टम निकालो इस गेम के अंदर जिससे इन लोगों का प्रमोशन ऑटोमेटिकली हाइड कर सके। फ्रॉस्ट भाई ऐसा कर दोगे तो फिर ये गेम बनाने वाले को पैसा कहां से मिलेगा भाई। अरे यार ये भी एक बात है गाइस, तो इसलिए मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता। आई मीन यार देखो सबको पैसे की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, जैसे इसलिए देखो सबको यार स्पाइडरमैन के जैसे नहीं होते गाइस। स्पाइडरमैन आपको तो पता ही है कितना फ्री में यार शहर को बचाते रहता है। यार चॉप तेरे को क्या लगता है स्पाइडरमैन को पैसा लेना चाहिए भाई सबकी मदद करने का? आई मीन आई एम प्रीटी श्योर गाइस वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा, नहीं अगर एक इंसान से भी एक रुपया भी चार्ज करे तो। फ्रॉस्ट भाई आप तो बात गजब कर रहे हो यार, अगर सुपर हीरोज पैसा लेने लग गए तो फिर पॉइंट क्या है भाई। हाँ यार आई मीन पुलिस भी गाइस आपसे मदद करने का पैसा थोड़ी लेती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन गाइस एक एक ग्लिच है यहाँ पर, आई मीन पुलिस वालों को सरकार पैसा देती है और बेचारे स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क पैसा देता है गाइस। फ्रॉस्ट भाई क्या बात कर रहे हो यार, टोनी स्टार्क पैसा थोड़ी देता है भाई, वो तो हमेशा हम लोगों को यार लेमन जूस दे देता है भाई। ओ मैंगो बाइट। अरे भाई क्या करोगे, अपन लोग बच्चे स्पाइडरमैन है, जब बड़े हो जाएंगे ना तो हो सकता है हम लोगों को वो पूरा का पूरा एवेंजर्स एम्पायर दे दे। ऑलराइट गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।